बागेश्वर सरकार को एक युवक ने कहा पाखंडी। जी हाँ, यह बात सत्य है। महाराज जी के दरबार में एक दंपत्ति आए और उन्होंने अपनी अर्जी लगाई। महाराज जी ने पहले ही बता दिया कि आप पहले भी आए थे, लेकिन आप बीच रास्ते से ही वापस लौट गए थे और फिर कई दिनों तक आप नहीं आए, क्योंकि आपके पति क्या कहते थे कि वो बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, वो ढोंगी और पाखंडी लोग हैं। लेकिन आप फिर आए हैं और अब ये इसलिए आए हैं क्योंकि अब इनके मन के अंदर हमारे प्रति श्रद्धा जग चुकी है। क्यों, ये बात सत्य है? तब उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि जी महाराज, हमने आपके बारे में इतना गलत कहा, हमने आपको पाखंडी कहा। फिर महाराज जी ने उनकी अर्जी लगाई और उनके कष्टों का निदान किया। एक बात आप लोग समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति किसी के भविष्य के बारे में, भूत के बारे में कैसे बता सकता है जब वो उसको जानता भी नहीं। महाराज जी के पास वो शक्तियाँ हैं, लेकिन महाराज जी इसका सारा श्रेय अपने दादा गुरु और बालाजी महाराज को ही देते हैं। ऐसे संत के चरणों में बारंबार नमस्कार है। आप कमेंट में हमें जय बागेश्वर धाम लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।